यस पीपील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब hope so, आप सब बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो गाइज आज हम रिवाइज करने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है दैट इज द मैट ए एम टी और एस सी जेड ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे और मैं बता दू ये एग्जाम में आपके अप्रोक्स एट मार्क्स है वो कवर करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक दैट इज द मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एक चीज बता दू मैट इज एप्लीकेबल ओनली टू दिन वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो ऑल कंपनीज पे लगता है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस मैट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज अब एक बात समझना है यहां पे मैट में जो चार्जिंग सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन ये बोलती है कि जो भी कंपनी रहेगी कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स आता है जो भी कंपनी का नॉर्मल टैक्स आता है एंड बुक प्रॉफिट का 15 परसेंट विच एवर इज हायर रहेगा वो हायर पे करना पड़ेगा और मैं बता दू ये बुक प्रॉफिट का फिफ्टीन परसेंट इसी को मैट बोला जाता है सर क्वेश्चन ये आता है कंपनी का नॉर्मल टैक्स कैसे निकालते हैं तो कंपनी का नॉर्मल टैक्स निकालने के लिए यू नो दैट डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट कितनी रहती है 25 परसेंट और 30 परसेंट नॉर्मली टैक्स रेट इज 30 परसेंट बट टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर 1920 का अगर आपका अप टू फोर करोड़ है तो ट्वेंटी अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी के केस में थर्टी टैक्स लगता है फॉरन कंपनी के केस में फोर्टी टैक्स लगता है ये नॉर्मल टैक्स हो गया इसमें आप सरचार्ज भी एड करते हो आंसर इज यस इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड अप टू टेन करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सेवन फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड अगर आपका टोटल इनकम है वो मोर देन 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% फॉरेन कंपनी के केस में 5% है ये आप सरचार्ज ऐड करते हो और हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो आप 5 सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो आप 4% ऐड करते हो अब एक चीज समझना तो एक तो आपका हो गया नॉर्मल टैक्स करके ठीक है तो जैसे ही आप नॉर्मल टैक्स निकाल देते हो अब इस नॉर्मल टैक्स को आपको कंपेयर करना पड़ेगा मैट से और मैट किसको बोलते हैं बुक का 15%. जो बुक प्रॉफिट प्रॉफिट का जो है 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 उसका 15 है, इसको हम मैट बोलते हैं एवर इज हायर वो आपको पे करना रहेगा लेकिन एक चीज समझना सर ये बुक प्रॉफिट का जब फिफ्टीन हम करेंगे तो क्या इसमें भी वगैरह सरचार्जिडर करना पड़ेगा आंसर इज यस दिस बुक प्रॉफिट इज लाइक योर टोटल इनकम ओनली बुक प्रॉफिट अगर वन करोड़ से ज्यादा है अपटू टेन करोड़ तो के तो आप सरचार्ज कंसीडर करेंगे 7% और 2% बट अगर बुक प्रॉफिट है वो आपका 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कंसीडर करेंगे 12% और uh, 12% और 5% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से से वो आपको 4% ऐड करना है मींस आपको मैं बताऊँ ना यहां पे जब आप मैट कैलकुलेट करते हो तो 15% परसेंट रेट बुक प्रॉफिट इज लाइक अ टोटल इनकम ओनली और बुक प्रॉफिट को ऐसे टोटल इनकम की तरह ही ट्रीट करना है उस पर सरचार्ज वगैरह के लिए एज वेल एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको हमेशा ऐड करना ही है करके अब एक चीज समझना मैंने बोला मैट का रेट है वो 15% लगेगा बुक प्रॉफिट पे लेकिन एक चीज समझना अगर आपकी कंपनी आईएफएससी में लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है और आपकी जो इनकम है वो होली इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में इनकम होती है तो यहां पे 15% की जगह आपका जो मैट का रेट है वो नाइन हो जाएगा फिफ्टीन की जगह आपका जो मैट का रेट है वो नाइन हो जाएगा लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि सर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेगी क्योंकि बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है तो आपको ये टॉपिक आता है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता तो आपको यह टॉपिक नहीं

तो जो कंपनीज एक्ट वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप पकड़ लो सबसे पहले आप एक काम करिए उसका जो नेट प्रॉफिट रहता है उस नेट प्रॉफिट को आप लेंगे करके ठीक है और नेट प्रॉफिट जो है ऑब्वियसली डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंडिचर इधर डाले होंगे क्रेडिट साइड में कुछ इनकम डाली होगी आप स्टार्ट करेंगे इस नेट प्रॉफिट से कुछ चीजें ऐड करनी है कुछ चीजें लेस करनी है आपको यहां पे बुक प्रॉफिट मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आपको नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है नेट प्रॉफिट लेना है एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट होता है वो आप ले लीजिए और वहां से चालू करिए लेकिन सर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो शेड्यूल थ्री का पियंडल बनता है ना शेड्यूल थ्री वाला जो पियंडल है वो पियंडल आपको यहां पे लेना है करके ठीक है लेकिन एक बात बताओ

सा वाला वाला Schedule 3 वाला, कंपनीज एक्ट उसके जो तीन एक्सेप्शन मैंने कौन-कौन से बैंकिंग कंपनी, कंपनी, इंश्योरेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी like, कंपनी, उसके लिए रेस्पेक्टिव लॉ के हिसाब से जो है, वो है और उसका है. समझना कुछ चीजें आपको एड करनी है कुछ चीजें लेस करनी है आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा सबसे पहले एल के डेबिट साइड में के डेबिट साइड में अगर कोई इनकम टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है एजुकेशन सेस दे रखा है सरचार्ज दे रखा है या डीडीटी दे रखा है उसको आपको एडबैक करना है ये डिस अलाउड हो जाएगा मैंने क्या क्या बोला इनकम टैक्स इनकम टैक्स का इंटरेस्ट एजुकेशन सेस सरचार्ज या डीडीटी टी के डेबिट में दे रखा है इसको आप एडबैक कर दीजिए एक बात बताओ आप पीजीबीपी में भी तो यही करते थे जब आप पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं तो वहां पे भी इनकम टैक्स इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है एजुकेशन से सरचार्ज डीडी डीडीटी है वो वहां पे भी अलाउ नहीं होता तो वहां पे भी हम क्या करते हैं एडबैक करते हैं अब देखो डीडीटी तो आजकल होता ही नहीं है ठीक है बट लॉ में लिखा हुआ है इसलिए मैंने बुक में भी लिखा है तो देखिए मैंने क्या बोला सबसे पहले आप पीएनडल के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है एजुकेशन सेस दे रखा है सरचार्ज दे रखा है डीडीटी दे रखा है उसको आप वापस से एडबैक कर देंगे लेकिन एक चीज ध्यान रखना जब आप पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं ना तो पीजीबीपी में तो क्या होता है कि अगर इनकम टैक्स का कोई भी पेनल्टी है मीन कोई भी पेनल्टी होता है वहां पे अपन एडबैक करते हैं डिसअलाउड होता है लेकिन बेटा यहां पेनल्टी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ तो अगर यहां पे मैट कैलकुलेट करते टाइम के डेबिट में इनकम टैक्स का पेनल्टी दे रखा है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है वो अलाउ हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं सिर्फ यहां पर जो चीजें दे रखी है वो आपको करनी है इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला पीएनडल के डेबिट में अगर कोई इनकम टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स का प्रोविजन इनकम टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है एजुकेशन सेस दे 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 रखा दे रखा दे रखा है 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 सरचार्ज डीडीटी आप उसको क्या कर दीजिए एडबैक कर दीजिए अब एक चीज समझता पीएनडल के डेबिट साइड में अगर आपको दे रखा है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व भैया वो कोई भी रिजर्व हो जनरल रिजर्व हो सिंकिंग फंड रिजर्व हो कोई भी रिजर्व हो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है करके ठीक है उसको आप क्या कर दीजिए एडबैक कर दीजिए लेकिन एक चीज समझना जब ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है उसको अपन एडबैक कर रहे हैं तो पी एनडल के क्रेडिट साइड में पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है किसी और रिजर्व से आप पैसा लेके आ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है ना तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला देखिए पीएनडल के डेबिट साइड में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है उसको आप एडबैक कर दीजिए पीएनडल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है तो आप उसको क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए लेकिन एक चीज समझना ये ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है ना ये लेस होता है लेकिन ये लेस तभी होगा जब जिस ईयर में वो वो रिजर्व 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 बना बना था 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 उस ईयर ईयर आपका बुक प्रॉफिट हुआ जिस जिस में से आप ट्रांसफर कर रहे हो जिस ईयर में वो रिजर्व बना था उस ईयर में, आप में, में आपका बुक प्रॉफिट ऐड हुआ था बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड हुआ था तभी आप उसको लेस करोगे अदरवाइज लेस नहीं करोगे तो देखो मैंने क्या बोला एक बार मैं वापस से समझाता हूं देखिए के डेबिट साइड में अगर ट्रांसफर टू एनी रिजर्व दे रखा है उसको आप एडबैक कर दीजिए पीएनडल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है उसको लेस करेंगे लेकिन वो लेस तभी करेंगे जब वो रिजर्व पी एंडल के थ्रू बना था अगर वो रिजर्व पीएनडल लेस होगा अदरवाइज वो लेस नहीं होगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट ये अब एक और चीज समझना पीएनडल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लाइबिलिटी दे रखा है या प्रोविजन फॉर द असर लाइबिलिटी दे रखा है तो आप उसको क्या करेंगे एडबैक करेंगे या फिर प्रोविजन फॉर द डिनेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट पी के डेबिट साइड में दे रखा है तो आप उसको क्या करेंगे एडबैक करेंगे मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना पी के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर द अनअसरटेन लाइबिलिटी दे रखा है आप उसको एड कर दीजिए प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट दे रखा है उसको आप एड करेंगे अब एक और चीज समझना यहां पर ध्यान देना मैंने बोला प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर द अनसर्टेन लाइबिलिटी आपको एडबैक करना है लेकिन एक चीज समझना ओनली कंटीजेंट लाइबिलिटी या अनसर्टेन लाइबिलिटी का प्रोविजन है तो ही एड करना है अगर वो प्रोविजन आपने एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से बनाया हुआ है साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक या रैशनल बेसिस पे आपने बनाया हुआ है तो आपको डिसअलाउड करने की जरूरत नहीं है सिर्फ वो प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी या अन असरटेन लाइबिलिटी वाला है वो ही आपको ऐड करना है अगर वो प्रोविजन बनाया हुआ है आपने एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से रैशनल बेसिस पे साइंटिफिक बेसिस पे तो उसको एडबैक करने की जरूरत नहीं है वो डिसअलाउड नहीं वो यहां पर अलाउ हो जाएगा अब एक चीज समझना एग्जामिनर क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्या प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी और ऐसा लिखता एक्चुअली वैल्यूशन के हिसाब से बनाया है करके ठीक है तो एक बात बताओ जब आप पीजीबीपी में जाते हैं तो पीजीबीपी में तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी हमेशा डिसअलाउड होता है सेक्शन फोर्टी ए सबसेक्शन सेवन के हिसाब से

अभी तक मैंने आपको तीन चार चीजें बताई सबसे पहले पीएनडल के डेबिट में इनकम टैक्स डाला हुआ इनकम टैक्स का इंटरेस्ट एजुकेशन से दीजिए ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है उसको ऐड कर दीजिए ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है उसको लेस करेंगे लेकिन लेस तभी करेंगे जब वो रिजर्व पीएंडल के थ्रू बना था पीएनडल के डेबिट में अगर मान लो प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर द अन असरटेन लाइबिलिटी दे रखा है तो उसको आप एड कर दीजिए या प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असट दे रखा है उसको भी आप एड करेंगे जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वगैरह दे रखा है तो आपको उसको एड बैक करना है अब एक चीज समझना पी एंडल के क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो एक्जेंट होती है अंडर सेक्शन टेन इलेवन ट्वेल्व मैं क्या बोल रहा हूं ऐसी इनकम जो एग्जेम्ट होती है अंडर सेक्शन टेन इलेवन ट्वेल्व तो उस पर मैट नहीं लगेगा आप उसको लेस कर दीजिए और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर पी पीएनडल के डेबिट में दे रखे तो उसको आप ऐड कर दीजिए तो मैंने क्या बोला ऐसी इनकम जो एक्जेम्ट होती है अंडर सेक्शन टेन इलेवन ट्वेल्व टेन में कौन सी एग्जेम्ट होती है जैसे टेन वन एग्रीकल्चर इनकम अगर पी पीएंडल के क्रेडिट साइड में दे रखिए आप उसको लेस कर दीजिए उससे रिलेटेड खर्चे पी पीएनडल के डेबिट साइड में दे रखे उसको आप एड कर दीजिए अब एक और चीज समझना है यहां पर अगर पीएनडल के डेबिट साइड में डेफर टैक्स दे रखा है करके ठीक है तो डेफर टैक्स दे रखा है पीएनडल के डेबिट में उसको आप ऐड कर दीजिए और पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर डेफर टैक्स दे रखा है तो उसको आप लेस कर दीजिए अब एक और चीज समझना अगर कोई कंपनी है उसको किसी एओपी बीवाई से शेयर मिलता है तो जब कंपनी किसी भी में जब मेंबर होती है ना तो टैक्स भर देता है, तो किसी से मिलता है ने पी एंडल के और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट में दे रखे हैं तो आप उसको एड कर दीजिए अगर के ठीक है तो देखो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई सबसे पहली चीज तो ये पीएनडल के अगर आपको कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो एक्जेम होती है अंडर सेक्शन टेन इलेवन टैक्स

यहां इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है मैट कैलकुलेशन में वी आर जस्ट प्लेइंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो मैंने क्या बोला देखिए पीएनडल के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा उसको पूरे को एड कर दो लेस होगा लेकिन एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट रीवैल्यूड असेट के डेप्रीशिएशन को आप छोड़ दीजिए बाकी वाला जो प्योर डेप्रीशियन है ना वो प्योर दीजिए तो मैंने क्या बोला पीएनडल लेकिन रीवैल्यूड डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो रीवैल्यूड पे डेप्रीशिएशन है उसको छोड़ के जो प्योर डेप्रिशिएशन है उसको आप लेस करेंगे अब एक और चीज समझना अगर पीएनडल के क्रेडिट साइड में आपने रीवैल्यूएशन re रिजर्व से कुछ ट्रांसफर किया पैसा रीवैल्यूशन रिजर्व से कुछ पैसा लेके आए हैं तो क्या वो भी लेस होगा आंसर इज वो लेस होगा टू द एक्सटेंट डेप्रीशियन ऑन रीव जितना आपका रीवैल्यूड पे है उस हद तक अगर आपने पीएनडल के क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आए हैं तो वो लेस होगा तो मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैंने तीन चीजें बोली समझने की कोशिश करना पहले पीएनडल के डेबिट साइड में जितना डेप्रीशिएशन है ना पूरा एडबैक कर दो

तो थर्टी लेस होगा बट आपने अगर सिक्सटी किया तो फोर्टी लेस होगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस रेगुलर फास्ट ट्रैक में एग्जाम्पल देख के सब चीजें आपको समझा चुके हैं करके ठीक है अब एक और चीज समझना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फॉरेन कंपनी की जो मैं अभी बात करूंगा आने वाले एक मिनट के लिए वो सिर्फ फॉरेन कंपनी की बात करूंगा कि अगर कोई फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी को इंडिया में कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटी पे फॉरेन कंपनी को इंडिया में कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटी पे या फिर इंडिया में कोई इंटरेस्ट डिविडेंट रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सर्विस मिलता मिलता है 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 क्या क्या इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल और इनकम टैक्स टैक्स में अगर इस रेट रेट जो है, tax rate, वो परसेंट से कम है तो इस पर मैट नहीं लगेगा और आपको लेस करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड खर्चे पीएन के डेबिट में डाल रखे हैं तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं फॉरेन कंपनी के केस में ये जो एडजस्टमेंट है ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के केस में है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी को क्या हुआ इंडिया से या तो किसी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है जैसे एलटीसीजी वन वन टू ए जिसपे टेन परसेंट टैक्स लगता है तो सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन हुआ या फिर उनको डिविडेंड मिलता है रॉयल्टी मिलता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है इंटरेस्ट मिलता है जिसपे सेक्शन वन वन फाइव ए में आपको पता है 15 से कम लगता है, जैसे 5%, 10 के क्रेडिट में डाली हुई है इसको लेस कर दीजिए इस पर मैट नहीं लगेगा और इससे रिलेटेड खर्चे पीएनडल के डेबिट साइड में डाल रखे तो इसको वापस से आप एड कर दीजिए क्योंकि जब इनकम को लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली खर्चे है वो हम अलाउ नहीं करेंगे अब एक और चीज समझना अगर कोई कंपनी को रॉयल्टी मिलती है जो सेक्शन में टैक्सेबल होती है एट तो द रेट टेन परसेंट आपको मैट नहीं लगेगा तो अगर मान लो रॉयल्टी इनकम क्रेडिट साइड में दे रखी है आप उसको कर और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे उसको आप क्या कर दीजिए एड कर दीजिए उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे उसको आप एड कर दीजिए अब एक और चीज समझना ये बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है उस कंपनी के पास में पहले किसी एसपीवी के शेयर थे मैं जो बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना किसी एसपीवी के शेयर थे एसपीवी में स्पेशल पर्पज व्हीकल के और स्पेशल पर्पज व्हीकल के जो शेयर थे ना वो शेयर्स के बदले उसको बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली उस शेयर्स के बदले एसपीवी के शेयर्स के बदले बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली तो जब एक्सचेंज हुआ ना एक्सचेंज के टाइम पे अगर कोई भी प्रॉफिट डाला हुआ है पी एंडल के क्रेडिट में आप उसको लेस कर दीजिए या डेबिट साइड में कोई लॉस डाला हुआ है इसको आप ऐड कर दीजिए क्योंकि ये नोशनल प्रॉफिट और लॉस है मीन्स एस के शेयर के बदले जब बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली उस टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट और लॉस है नोशनल है इस पर मैट नहीं लगेगा प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में डाल रखा है लेस कर दीजिए लॉस है डेबिट साइड में डाल रखा है एड कर दीजिए अब अगर मान लो इन फ्यूचर में आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है उनका कैरिंग अमाउंट चेंज होता है हर साल कैरिंग अमाउंट की वजह से कोई कैरिंग अमाउंट चेंज की वजह से कोई प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर भी मैट नहीं लगेगा पी एंडल के क्रेडिट साइड में अगर कैरिंग अमाउंट चेंज होता है उसकी वजह से कोई प्रॉफिट बुक किया है लेस कर दीजिए या लॉस बुक किया है डेबिट साइड में उसको आप एड कर दीजिए लेकिन जिस टाइम पे आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को सेल करेंगे और सेल के टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस हु हुआ सेल के टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दे रखा उसको भी लेस कर दीजिए और लॉस अगर डेबिट साइड में दे रखा उसको ऐड कर दीजिए तो आप बोलेंगे कि सर फिर तो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची उस तो पर मैट लगा ही नहीं लगेगा इसी साल में जिस साल में आपने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची ना उस टाइम पे आप टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे पता है कि जब आपने एसपीवी के शेयर खरीदे थे वो कितने में खरीदे थे और अब बिजनेस ट्रस्ट की, आपने कितने में बेची? तो के की जो बिजनेस उस ईयर में जिस ईयर में आप सेल करेंगे तो अब आप एक काम करिए अगर टोटल प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट है आप इसको एड कर दीजिए बुक प्रॉफिट में और अगर लॉस होता है तो आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन से लेस कर दीजिए यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस yes, अब एक और चीज समझना आप लोग इधर देखना मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होती है वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी पे मैट नहीं लगेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा पहले आप प्रॉफिट से स्टार्ट किया होगा वो प्रॉफिट वापस लेस हो जाएगा तो सिक इंडस्ट्रियल नहीं लगता अब एक और समझना, पी के में अगर आपने अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेज बुक किए नॉर्मली भी करते नहीं है पहले ऐसे लॉ में ऐसे प्रोविजन थे, पहले करते थे बट अब करते नहीं है बट सब्सिडरी के पीएनडल डाले हुए हैं तो वो आपको एडबैक करने हैं वो अलाउ नहीं होते अब एक और चीज समझना लॉ मेकर बोलते हैं कि अगर मान लो आपने क्या किया पता है कोई असेट को रिटायर कर दिया कोई असेट को रिटायर कर दिया असेट को ट्रांसफर कर दिया जब आप असेट को रिटायर करते हैं असेट को ट्रांसफर करते हैं उस टाइम अगर उस असेट से रिलेटेड कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है उस असेट से रिलेटेड कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है तो उसको पीएनडल के क्रेडिट में डालना पड़ेगा भाई अगर कोई असेट को आप रिटायर करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और उससे रिलेटेड अगर रीवैल्यूशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है तो आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा अगर आपने नहीं डाला तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आप एड कर दीजिए मैंने क्या बोला अगर किसी असेट को जब आप ट्रांसफर करते हैं या फिर उसको रिटायर करते हैं उस टाइम रीवैल्यूशन रिजर्व में उस अट से रिलेटेड कुछ बैलेंस बचा है तो उसको पीएनडल क्रेडिट साइड में ले जाइए अगर आप पीएनडल के क्रेडिट साइड में नहीं ले जाते हैं तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको एड करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपको एड करना पड़ेगा यह आपका पॉइंट नंबर टेन है वो एड में वहां पर आपको समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना लॉ ये बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है बुक प्रॉफिट जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम जो भी तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है या अनएब्सॉर्ब्रिशिएशन कौन से वाले इनकम टैक्स एक्ट वाले या कंपनीज एक्ट वाले राइट आंसर इज वाले जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है एंड अनएबॉर्ब एप्रिशिएशन है उसमें से जो विच एवर इज लोअर रहेगा ना वो आपको लेस करने को मिलेगा क्या बोला मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या जो अनएबॉर्ब एवर इज लोअर रहेगा वो आपको यहां पे लेस करने को मिलेगा तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन मैंने क्या बोला कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है एंड अनएब डेप्रीशिएशन जब तक वो सेट ऑप नहीं होंगे तब तक विच एवर इज लोअर है वो आपको लेस करने को मिलेगा मीन्स यहां पर दोनों में से विच एवर इज लोअर फॉर एन एग्जाम्पल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो टेन लैख है अनएब्जॉर्ड डेप्रीशियशन एट लैक है तो आप एट लैख लेस करेंगे लेकिन एक चीज समझना दो केसेस में क्या होगा पता है यहां पे ये और है ना ये और की जगह एंड बन जाएगा मीनस आपको दोनों चीजें लेस करने को मिलेगी मीन जैसे टेन लेख और एट लेख है तो लोअर नहीं टोटल एटीन लेख आपको लेस करने को मिलेगा कब अगर किसी कंपनी की एप्लीकेशन है वो इंसोल्वेंसी एंड बैंक करपसी कोड में करके ठीक है आईबीसी टू में सेक्शन सेवन या नाइन या टेन में उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है या फिर किसी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी ऑफ दैट सब्सिडरी कंपनी के केस में सेक्शन 241 या 242 लग चुका है कंपनीज एक्ट का और कंपनीज एक्ट का जो 241 242 लगता है उसके हिसाब से क्या होता है कि भैया उसके मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है और गवर्नमेंट मैनेजमेंट है वो अपॉइंट करती है न्यू मैनेजमेंट अपॉइंट करती है तो उस केस में क्या होगा जो दोनों चीजें है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और अनएब्सॉर्ब एप्रीशिएशन दोनों चीजें आपको लेस करने का मौका मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस So, यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन पार्ट वन अब एक चीज समझना अगर जो कंपनी इंडेक्स फॉलो करती है इंडेक्स का मतलब होता है ऑब्वियसली इंडियस आपको पता है ज्यादा मेरे से ज्यादा आप जानते हैं तो जो कंपनी इंडेक्स फॉलो करती है ना उनको क्या करना पड़ेगा जो मैंने एडजस्टमेंट आपको समझाए वो तो करने ही पड़ेंगे बट उसके अलावा कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे जो मैंने आपको पार्ट टू में समझाने जा रहा हूं तो अगर कोई कंपनी है वो इंडेक्स फॉलो करती है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ता है कि उसको एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे और वो एडिशनल एडजस्टमेंट कौन कौन से है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं सबसे पहली चीज तो ये कि भैया आप एक काम करिए कि उस कंपनी का ओसीआई अकाउंट को पकड़िए जो मैंने एडजस्टमेंट आपको ऊपर बताया वो तो करना ही है अब आप क्या कर रहे हैं एक ओसीआई 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 अकाउंट अकाउंट को पकड़ रहे हैं का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चीज समझना एक सेपरेट अकाउंट होता है पी एंडल एक सेपरेट अकाउंट होता है अभी तक आप जो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन का वो पीएनडल के हिसाब से कर रहे थे अब आप एक काम करिए ओसीआई को पकड़िए और ओसीआई के क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी इनकम दे रखी है उस हेड में कौन से हेड में That इज इनकम दैट विल नॉट बी reclassified टू पी account. अकाउंट मीन ऐसी आइटम दैट विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू दी एंडल अकाउंट इन द फ्यूचर मीन फ्यूचर में कभी वो रिक्लासिफाइड टू दी एंडल अकाउंट नहीं होने वाली तो भैया उस इनकम पे आप अभी मैट लगा लीजिए आप उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना जो भी तुम्हारा ओसीआई अकाउंट है ओसीआई मीन अदर कॉम्प्रीहसि इनकम ओसीआई अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम दे रखी है अंडर द हेड दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंडल क्रेडिट साइड में दे रखी है उसको आप ऐड कर दीजिए अभी उस पर मैट लगा दीजिए और डेबिट साइड में अगर कोई दे रखी है तो आप उसको लेस कर दीजिए अभी आप मैट कैलकुलेशन में उसको अलाउ कर दीजिए बट कौन सी वाली आइटम आइटम दैट विल नॉट बी रीक्लाइड टू तो द दी एंडल एक बात बताओ जो आइटम होती है ना दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू तो द दी एंडल वो तो जब रीक्लासिफाइड होगी पी एंडल में उस ईयर में मैट लग जाएगा ना लेकिन यहां पे अभी आपको कौन सी आइटम लेनी है ओनली आइटम विच इज नॉट रीक्लासिफाइड टू द पी एंडल करके ठीक है तो देखो मैंने क्या बोला आपने ओसीआई पकड़ा ओसीआई के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू द पी एंडल क्रेडिट साइड में आइटम दे रखी है आप इसको ऐड कर दीजिए और डेबिट साइड में आपको अगर उससे रिलेटेड कोई लॉसेस दे रखे हैं वो आप क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए लेकिन आप एक चीज समझना इसमें दो चीजों को आप छोड़ देंगे दो चीजों को आप छोड़ दीजिए कौन कौन सा एक तो surplus जो आप index 16 या या 38 के से बनाते हैं, दूसरा और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और उसका गेन और लॉस है वो एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है इन अकॉर्डेंस विदो नाइन उन दो चीजों को आप छोड़ दीजिए तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना पहले आप ओसीआई लीजिए ओसीआई के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है दैट दैट इज आइटम विल नॉट बी टू द पी क्रेडिट साइड में आप उसको ऐड कर दीजिए डेबिट साइड में आप उसको लेस कर दीजिए बट दो चीजों को छोड़ दीजिए एक तो रीवैल्यूशन सरप्लस को जो कि 16 या 38 के हिसाब से बनता है या फिर आपका जो गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है डेजिग्नेडेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओ करके जो आपका इंडेक्स वन के हिसाब से रहता है आप इसको इतना याद रखिए गेन और लॉस इन द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो गेन और लॉस है एंड रीवैल्यूशन सरप्लस है उन दोनों को आप टच मत करिए उन दोनों का अभी कुछ करने का तो आप मुझे ये पूछेंगे कि सर एक बात बताइए जो रिवैल्यूशन सरप्लस या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो गेन और लॉस है डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इसको अभी आप बोल रहे हैं कुछ मत करिए तो क्या इस पे मैट नहीं लगेगा क्या गाइस इस पे मैट लगेगा लेकिन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका वो असेट है या इन्वेस्टमेंट है जिस ईयर में आप रिटायर करते हैं डिस्पोज करते हैं रियलाइज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो जिस ईयर में आपने उसको रियलाइज किया ट्रांसफर किया डिस्पोज किया उस ईयर में जो टोटल प्रॉफिट है ना वो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप ऐड कर दीजिए और जो भी तुम्हारा टोटल लॉस है वो आप क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए तो मैंने क्या बोला कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो इन्वेस्टमेंट का गेन और लॉस है एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है इसको अभी आप कुछ मत करिए अभी आप कुछ मत करिए जिस ईयर में आप उसको सेल करते हैं डिस्कार्ड करते हैं डिस्पोज करते हैं रियलाइज करते हैं उस ईयर में जो टोटल प्रॉफिट है उसको आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में एड कर दीजिए और अगर लॉस है तो उसको आप लेस कर दीजिए यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना जब भी कभी भी डी मर्जर होता है अब मैं ओसीआई की बात नहीं कर रहा हूं ओसीआई का, का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया जब भी डी मर्जर होता है तो तुम्हारा एक इंडेस होता है दैट इज द इंडेस आपका टेन और इंडेस टेन का एक अपेंडिक्स ए होता है वो ये बोलता है कि जब भी डी मर्जर होता है तो डी मर्जर में क्या होता है डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को असट ट्रांसफर करती है इसको तुम्हारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला हुआ है बोलते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में आपको बोला जाता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश अट टू द शेयर होल्डर बिकॉज शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलते हैं अब एक चीज समझना आज की डेट में क्या होता है

इस पे मैट नहीं लगेगा इसको आप लेस कर दीजिए और डेबिट साइड में अगर लॉस डाला हुआ है तो इसको आप ऐड कर दीजिए तो मैंने क्या बोला कि जब भी डीमर्जर होता है और डीमर्जर टक के टाइम पे अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू अलग है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट बुक किया जाता है पी एंडल में इन्होंने बोला उस प्रॉफिट पे मैट नहीं लगेगा वो जो प्रॉफिट है या लॉस है उस पर मैट नहीं लगेगा अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दे रखा है आप लेस कर दीजिए डेबिट साइड में लॉस दे रखा है उसको आप एड कर दीजिए अब एक बात समझना जो रिजल्टिंग कंपनी है जब वो अपना मैट कैलकुलेट करेगी

तो जो भी तुम्हारा ट्रांजेशन अमाउंट आएगा अगर वो ट्रांजेक्शन अमाउंट का प्रॉफिट है मीन क्रेडिट बैलेंस है तो उस पर फाइव इन में मैट लगेगा अगर मान लो वो क्रेडिट बैलेंस है तो उस उसपे फाइव ईयर्स में मैट लगेगा लेकिन अगर मान लो वो तुम्हारा डेबिट बैलेंस है तो फाइव ईयर में मैट कैलकुलेशन में उसको आपको अलाउ करने को मिलेगा सो so, इन सिंपल वर्ड में बता दू जो भी तुम्हारा ट्रांजेक्शन अमाउंट आता है ट्रांजिशन अमाउंट कौन से ईयर में आएगा जिस ईयर में आप पहली बार नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंडेक्स फॉलो करते हो उस ईयर में हम क्या करते हैं ट्रांजिशन अमाउंट निकालेंगे और वो ट्रांजिशन अमाउंट है वो फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होता है या फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में उस पर मैट लगता है लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रांजिशन अमाउंट हम निकालेंगे कैसे ट्रांजिशन अमाउंट किसको बोलते हैं तो मैं बता दू ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब होता है आपका एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी जो एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी अब आपको पता है अदर इक्विटी इज नॉर्मली रिजर्व एंड सर प्लस करके ठीक है तो जो आपके एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी होते उसी को ट्रांजेक्शन अमाउंट बोलता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का एडजस्टमेंट एज वेल एज द कैपिटल रिजर्व का एडजस्टमेंट को आपको कंसिडर नहीं करना

जो कि आपके ओसीआई का पार्ट है और ओसीआई का पार्ट एंड दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू द पी एंडल मीन वो आइटम इन फ्यूचर में रीक्लासिफाइड टू द पी एंडल होने वाली है तो जिस ईयर में रीक्लासिफाइड टू द पी एंडल हो जाएगी उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा अभी आपको उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है तो मैंने क्या बोला एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द आइटम दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू द पी एंडल इन द फ्यूचर उसको एडजस्टमेंट को आप छोड़ दीजिए दूसरा तो बड़ा सिंपल है कि आपका जो भी रिवैल्यूशन सरप्लस से रिलेटेड या फिर तुम्हारा गेन और लॉस इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू द ओसीआई है इन दोनों के रिलेटेड एडजस्टमेंट को भी आपको कंसिडर नहीं करना है ट्रांजेक्शन अमाउंट में क्योंकि जिस ईयर में आप इसको डिस्कार्ड करेंगे सेल करेंगे उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा उसके बाद में अगर मान लो आपका एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या असेट है जो रिकॉर्डेड एट फेस रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट जैसा कि आप इंडेक्स 101 के हिसाब से करते हैं पैराग्राफ डी फाइव के हिसाब से डी सेवन के हिसाब से उसको भी आप छोड़ दीजिए

ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसको भी आप छोड़ दीजिए तो यहां पे मैंने बोला इन चीजों को आप छोड़ दीजिए इन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपके ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं आएंगे तो देखिए अगर मैं ट्रांजिशन अमाउंट की बात करूं तो ट्रांजिशन अमाउंट किसको बोलेंगे एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी लेकिन एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी में आपको क्या क्या नहीं लेना एक तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आपका कैपिटल रिजर्व है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले एडजस्टमेंट नहीं लेने दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि मैंने आपको बोला कि अगर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आइटम है दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू पी एंड उसको छोड़ दो आप करके ठीक है उसके बाद में आपका जो भी रीवैल्यूशन सरप्लस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए करके ठीक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट

क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए जो मैट है वो क्या ऑल कंपनीज पे लगता है आंसर इज यस डोमेस्टिक कंपनी पे भी लगता है फॉरेन कंपनी पे भी लगता है लेकिन इसमें एक दो एक्सेप्शन है पहली चीज तो अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी ऐसी है है जो किसी कंट्री की रेजिडेंट जिसके साथ इंडिया का डी है लेकिन उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई पी .E. नहीं है तो उस पर मैट नहीं लगेगा ध्यान रखना मैंने क्या बोला मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है और उस कंपनी का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उस पे मैट नहीं लगेगा Example के लिए मान लो गूगल गूगल है Google है वो यूएस की कंपनी है यूएस में है अगर मान लो उन, इंडिया यूएस का अग्रीमेंट है वो यूएस की रेजिडेंट है उनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उस पर इंडिया में मैट नहीं लगेगा दूसरा अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जो किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ हमारा डी टी डबल है ही नहीं डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस अग्रीमेंट है ही नहीं जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा डी टी डबल नहीं है और उस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर कंपनी लॉ अंडर कंपनी लॉ कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो उस पर भी मैट इंडिया में नहीं लगेगा उस पर इंडिया में मैट है वो नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जिसपे सेक्शन फोर्टी फोर बी फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फोर बी 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 लगती है और वो इनकम को उस स्पेसिफिक रेट से डिस्क्लोज कर देते हैं तो उस पर मैट नहीं लगेगा एक बात बताओ आपको याद रहेगा फोर्टी बी मैंने पीजीबीपी में आपको बताया था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट होता है उसका अगर इंडिया में शिपिंग बिजनेस है मीन रेजिडेंट शिप लेके आता है तो सेवन एंड हाफ परसेंट उसका इनकम बनाते थे पीजीबीपी का इनकम एयरक्राफ्ट बिजनेस के, के केस में यहां पर फोर्टी फोर लगता था जिसमें फाइव होता था फोर्टी फोर क्या होता है जब वो क्या करते हैं वो पेट्रोलियम वगैरह उसके लिए अगर प्लांटेड मशीनरी सर्विस सप्लाई करते हैं एंड फोर्टी फोर ट्रिपल बी कॉरन कंपनी जो है वो अगर टंकी प्रोजेक्ट वगैरह है वो इंडिया में एग्जीक्यूट करते हैं तो उनकी जो इनकम है वो स्पेसिफिक रेट अगर टैक्सेबल हो रही है तो उनपे मैट नहीं लगेगा अगर स्पेसिफिक रेट से टैक्सेबल हो रही है तो उनके केस में मैट नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना मैट क्रेडिट जब भी आपका मैट ज्यादा है इनकम टैक्स से तो जितना आपका मैट ज्यादा होता है जितना आपने मैट ज्यादा पे किया उसको मैट क्रेडिट बोलते हैं अब ये मैट क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने इयर्स के लिए आप मैट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 15 असेसमेंट ईयर के लिए तो इस साल का जो मैट क्रेडिट है उसको अगले 15 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लेकिन एक चीज समझना ये मैट क्रेडिट को आप यूज कौन से ईयर में कर पाएंगे मैट क्रेडिट को आप यूज उस ईयर में करते हैं जिस ईयर में नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा है मैट से देखो नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा है मैट से और जितना नॉर्मल इनकम टैक्स मैट से ज्यादा है उसके डिफरेंस तक ही आप मैट क्रेडिट को यूज कर सकते हैं तो मैंने क्या बोला मैट क्रेडिट बनेगा कब जिस ईयर में मैट ज्यादा है नॉर्मल इनकम टैक्स से उस ईयर में मैट क्रेडिट बनेगा और उस मैट क्रेडिट को आप फिफ्टीन असेसमेंट इस तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो यूटिलाइज कौन से ईयर में होगा जिस ईयर में आपका नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा आता है मैट से उस ईयर में वो यूटिलाइज हो जाएगा अब एक चीज समझना बहुत बार क्या होता है कि जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ना वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मैट के आगे ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स के आगे जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं आपका जो मैट है फॉर एन एग्जांपल मैट आया वो वन लाख है और भैया आपका इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स आपका थाउजेंड है तो यहां परसेंट मिलता, मिलता, मिलता है तो मैट के सामने टेन थाउजेंड हो जाएगा और बेटा इनकम टैक्स के सामने एट थाउजेंड हो जाएगा तो यहां पे आपका नेट कितना होगा इधर नाइनटी थाउजेंड होगा नेट और इधर कितना होगा आपका सेवेंटी टू थाउजेंड होगा अब क्वेश्चन आता है क्या आप कितना पे करेंगे ऑब्वियसली आप नाइनटी थाउजेंड गवर्नमेंट को पे कर देंगे क्वेश्चन ये आता है मैट क्रेडिट कितना होगा क्या मैट क्रेडिट ट्वेंटी थाउजेंड होगा, no. होगा. यहां पे आपका मैट क्रेडिट होगा तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर कभी कभी फॉरन टैक्स क्रेडिट जो होता है जो सेक्शन नाइनटी नाइन ए नाइनटी वन के हिसाब से मिलता है तो फॉरन टैक्स क्रेडिट अगर मैट के सामने ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स के सामने तो जितना मैट के सामने ज्यादा है करके ठीक है उतने का आपको मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा मीन मैट क्रेडिट यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड नहीं रहेगा मैट क्रेडिट विल बी द एटीन थाउजेंड यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना गाइज ये जो मैट टॉपिक मैंने आपको सिखाया ना ये मैट टॉपिक नहीं लगेगा अगर कंपनी वन वन फाइव बी डबल ए या बी ए बी सेक्शन ले लेती है वन वन फाइव बी डबल ए कौन सा होता है वो वाला सेक्शन वन वन फाइव बी डबल जिसमें ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स पे करते हैं और वन वन फाइव बी ए बी वाला होता है जिसमें फिफ्टीन परसेंट की रेट से डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करती है तो वन वन फाइव बी डबल ए या वन वन फाइव बी ए बी अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे ये सेक्शन नहीं लगेगी मीन मैट नहीं लगेगा एज वेल एज द जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती है एज वेल एज द जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती है उस पर भी मैट नहीं लगता तो देखिए एक तो वन वन फाइव बी डबल ए या बी ए भी लेते हैं तो मैट नहीं लगेगा और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे मैट नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपको मैट लग रहा है, कम है मैट पे करना है तो क्या उसका एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा आंसर इज यस एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपने नहीं भरा तो इंटरेस्ट टू थर्टी फोर बी सी वाला है वो भी आपको लगेगा अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो टू थर्टी फोर ए का इंटरेस्ट है वो भी लगेगा अब एक और चीज समझना क्या असेसिंग ऑफिसर जो है

अब एक अमेंडमेंट है इस साल से और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है समझने की कोशिश करता है यहां पे होता क्या एक बात बताइए अपन ने बुक प्रॉफिट का, का कैलकुलेशन किया मैट कैलकुलेट किया अब यहां पे होता क्या है बहुत बार आपको पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग में एक कंसेप्ट आता है दैट इज द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट जिसको हम लोग अपा बोलते हैं सेक्शन नाइनटी टू सीसी या एक और एडजस्टमेंट होता है दैट इज द सेकेंडरी एडजस्टमेंट पता है 92 CE के हिसाब से सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो अगर अपा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है जो इनकम होती है ना वो पुराने की होती है लेकिन वो इस साल में टैक्सेबल हो जाती है जो इनकम बनती है देखिए अपा की वजह से एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की वजह से या फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से आप क्या करेंगे कंपनीज एक्ट में इनकम है वो करंट ईयर में बनाएंगे कंपनीज एक्ट में आप इनकम है वो करंट ईयर में बनाएंगे तो बुक प्रॉफिट है वो इस साल का बढ़ जाएगा ऐसा हो सकता है ना जैसे मान लो कोई इनकम है वो किसी तो तो पर्टिकुलर ईयर आपका अपा की वजह से ये इनकम इस साल में आपको कंपनीज एक्ट के जो पी एंडल है उसमें इंक्लूड करनी पड़ी तो ऐसा हो सकता है ना इस साल का आपका मैट बढ़ जाए तो इन्होंने क्या किया इस बार इन्होंने एक रिबेट दिया है इन सब चीजों से बचने के लिए इन्होंने एक रिबेट दिया है और वो रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या करते हैं यहां पे मैंने आपको ये दे रखा है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना और वो रिबेट इस साल के मैट में से लेस हो जाएगा तो आप इस साल जो भी बुक प्रॉफिट होगा उस पर फिफ्टीन परसेंट मैट लेंगे उस मैट में से एक रिबेट लेस होगा अभी रिबेट कैलकुलेट कैसे करते हैं तो रिबेट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको इस साल का मैट निकालना है इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर इनकम मीन जो पहले के ईयर का इनकम था जो पास्ट ईयर का जो बुक प्रॉफिट था वो इंक्लूड करते हुए इस साल का आप मैट निकालिए पहले दूसरा आप एक काम करिए कि इस साल का मैट निकालिए एक्सक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम जो पास्ट ईयर इनकम अभी इस साल में टैक्सेबल हो रही है ड्यू टू द सेकेंडरी एडजस्टमेंट या अपा की वजह से उसको आप हटा दीजिए और करंट ईयर का आप मैट निकालिए अब आप एक काम करिए ए माइनस बी करिए और ए माइनस बी जो भी आता है उसमें से फिर लेस कर दीजिए c- माइनस डी जो c- माइनस डी आएगा उसको आप लेस कर दीजिए जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर रिबिट लेकिन c का मतलब क्या है यहां पे तो c का मतलब उस ईयर का जिस ईयर से वो इनकम बिलोंग करती है उस ईयर का आप मैट निकालिए इंक्लूडिंग दैट इनकम मीन जो इंक्लूडिंग दैट इनकम जो अभी टैक्सेबल हो रही है बट उस ईयर का आप मैट निकालिए इंक्लूडिंग दैट इनकम करके ठीक है और उसमें से माइनस कर दीजिए उस ईयर का निकालिए एक्सक्लूडिंग दैट इनकम करके ठीक है तो यहां पर सी माइनस डी कर लो ए माइनस बी कर लो अब एक बात बताओ ए माइनस बी जो करेंगे और सी माइनस डी करेंगे उसके बीच का जो डिफरेंस है उतना आपको इस साल में रिबेट मिल जाएगा लेकिन ये वाली जो अमेंडमेंट

इक like, अप्पा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से इनकम एड हुआ और यहां पर इस साल का बुक प्रॉफिट नाइनटी लैक हो गया तो आप एक काम करिए इस साल आपका मैट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो अपन 90 लाख लेंगे तो 90 लाख मल्टीप्लाई प्लस फोर परसेंट तो आपका फोर्टीन लैख फोर थाउजेंड है यह मैट आएगा लेकिन अब आपको एक रिबेट मिलेगा ये रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले एक काम करिए कि इस साल का मैट इंक्लूडिंग दैट पास्ट ईयर का इनकम को इंक्लूड करके मैट निकालिए तो पास्ट ईयर की इनकम को इंक्लूड करके मैट निकालेंगे तो 90 लैख पे आएगा और वही फोर्टीन लैक फोर आएगा अब आप एक काम पास्ट ईयर इनकम तो मैं ईयर इनकम को हटा दो सेवेंटी निकालिए तो सेवेंटी लैख्टीन परसेंट प्लस फोर परसेंट दैट इज आपका टेन लैक नाइन्टी टू थाउजेंड आएगा और ये टेन लैक नाइन्टी टू थाउजेंड आप एक काम करिए फोर्टीन लैखेंड में टेन लैख नाइन टू थाउजेंड को लेस कर दीजिए तो ए माइनस बी का डिफरेंस आया थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड अब आप एक काम करिए ये जो इनकम है ट्वेंटी लाख जो इस साल का बुक प्रॉफिट में ऐड हुआ है ये 1819 से रिलेटेड था अब आप देखिए 1819 का रियल में आपका बुक प्रॉफिट कितना था तो आपको पता चला 1819 का आपका बुक प्रॉफिट की जगह बुक लॉस था उस साल का और उस साल का बुक लॉस है वो कितना था सेवन लैख था

उस साल में अगर मान लो ये तुम्हारा 20 लाख को एक्सक्लूड करके आप मैट निकालिए तो एक्सक्लूड करके तो बुक था, तो बुक लॉस लॉस था के केस में तो 2 2, आप, 2 2, आप लेस कर दीजिए दिस इज कॉल योर रिबेट और इस साल में आपको जो मैट पे करना पड़ेगा दैट इज द्व लैख नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड है उतना मैट है वो आपको इस

मेंस कंपनी को छोड़ के बाकी जितने भी एसएससी है उस पे एएमटी लगेगा एएमटी की चार्जिंग सेक्शन होती है 115 जेसी अब 115 जेसी क्या बोलती है कि जो भी आपका नॉर्मल टैक्स होता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो इनकम टैक्स आता है और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम व्हिच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा ये 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है ना इसी को बोला जाता है एएमटी जो 18.5 परसेंट ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है इसी को बोला जाता है ए करके ठीक है एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5 परसेंट मैट 15 परसेंट था ये तुम्हारा 18.5 है लेकिन एक चीज समझना अगर आपका यूनिट है वो आई में लोकेटेड है आपका यूनिट है वो आई में लोकेटेड है करके ठीक है और आपकी जो इनकम है वो फॉरन करेंसी में होती है तो यहाँ पे आपका एटीन की जगह आपका नाइन की रेट से ए लगेगा लेकिन एक बात बताओ सर ए के लिए आप बोल रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम का एटीन करिए तो सर 18.5 परसेंट तो हम करेंगे क्या इसमें सरचार्ज जोड़ेंगे यस डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम अगर टोटल इनकम जैसे इंडिविजुअल एचियो पेओपी भी आर्टिफिशियल जोडिकल पर्सन है फिफ्टी लेख से ज्यादा है तो टेन परसेंट करोड़ से ज्यादा है फिफ्टीन परसेंट करोड़ से ज्यादा है ट्वेंटी एंड फाइव करोड़ से ज्यादा है तो थर्टी है वो सरचार्ज जोड़ेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से आप जोड़ेंगे लेकिन सर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर आप बोल रहे एडजस्टेड टोटल इनकम का एटीन तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना कैसे अब एक बात बताऊं मैट में बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कितना टाइम लग गया लेकिन यहां पे में निकालना दो का काम है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टोटल इनकम ले लीजिए मीन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप टोटल इनकम ले लीजिए इन सिंपल वर्ड बता दू नेट टैक्सेबल इनकम जो होती है जिसको अपन टोटल इनकम बोलते हैं आप एनटीआई ले लीजिए अब एक चीज समझना अगर आपने तीन तरह के डिडक्शन लिए हैं तो उसको एडबैक कर दीजिए सबसे पहले अगर आपने टेन डबल का जेड का डिडक्शन लिया है उसको आप एडबैक कर दीजिए दूसरा अगर आपने 35 एडी का जो 14 बिजनेसेस होते हैं होटल हॉस्पिटल एंड वो सब सब्सिलरी पाइपलाइन एंड ऑल वो लिया है उसको आप एडबैक कर दीजिए उसके बाद अगर आपने डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से बट कौन से वाले इनकम बेस्ड डिडक्शन लिए हैं

तो मैंने क्या बोला सबसे पहले आप एक काम करिए कि नेट टैक्सेबल इनकम लीजिए एनटीआई में आप क्या करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए लिया उसको ऐड कर दीजिए थर्टी फाइव एडी लिया ऐड कर दीजिए टू लिए है उसको ऐड कर दीजिए अब एक चीज समझना जब आपने थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन लिया होगा तो ऑब्वियसली आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिला होगा अब आप एक काम करिए डेप्रीशिएशन लेस करिए अगर थर्टी फाइव एडी डिडक्शन ना लिया होता तो डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता मीन डेप्रीशिए अलाउबल इफ सेक्शन थर्टी फाइव एडी डिडक्शन इज नॉट क्लेम तो कितना डेप्रिशिएशन अलाउ होता वो लेस कर दीजिए जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम अब अडजस्ट टोटल इनकम पे आप 18.5 परसेंट लेंगे सरचार्ज अगर लगता है तो लगाएंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे और नॉर्मल इनकम टैक्स विच एवर इज हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा अब एक चीज समझना आप है ना आपके ऑफिस में ये टॉपिक आपने नहीं देखा होगा इसका दो रीजन है पहली रीजन तो ये कि आपके ऑफिस में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये डिडक्शन लेता है अगर कोई पर्सन ये डिडक्शन लेता है ऐसा आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट ही आपको नहीं मिला होगा अगर के ठीक है तो जब ये क्लाइंट मिला ही नहीं तो उसका क्या होता है एनटीआई और एटीआई दोनों सेम होता है तो एनटीआई जो है उस पर थर्टी परसेंट नॉर्मली टैक्स लगता है तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ जाएगा एक और चीज ये आती है कि अगर लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ना इंडिविजुअल के इनकम है, है, तो है, तो है वो एम टी नहीं लगेगा यू गॉट माई पॉइंट अब एक चीज समझना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे अगर आपको टेन डबल ए दिख जाए थर्टी फाइव एडी दिख जाए या एटी आई ए टू ए एरर भी दिख जाए तो समझ लेना ये ए का क्वेश्चन है एग्जामिनर सिर्फ इतना कैलकुलेट करने को बोलेगा कि टैक्स कैलकुलेट करो और टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपको ए को कंसीडर करना है ए भी कैलकुलेट करना है ये इनबिल्ट है उसके अंदर ही ऐसा बोला जाता है ये ध्यान रखना करिए ठीक है अब एक और चीज समझना ए नहीं लगेगा अगर आप सेक्शन वन

कर सकते है करके ठीक है और यहां पे भी अगर मान लो इनकम टैक्स के सामने, है, मिल रहा है, के सामने तो आपको जितना मिल रहा, उतना आपको आगे करने को नहीं मिलेगा ऐसा मैंने पे दे इस से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द रिविजन सेक्शन टेन डबल इज एसड अब एक बात समझना ये सेक्शन ये बोलती है कि पहली चीज तो एक बात बता दू ये डिडक्शन आपको जीटीआई के बाद लेना है हा? ऐसा नहीं कि बिजनेस के अंदर ही जैसे 35 उन लोगों को मिलता है जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप अगर मैनुफेक्चरिंग बिजनेस करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और एक और चीज समझना आपको अप्रूवल मिल जानी चाहिए मैनुफैक्चरिंग बिजनेस की वगैरह थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक थर्ट फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक अप्रूवल मिल जानी चाहिए और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू चाहिए और मार्च ट्वेंटी आपने मैनुफैक्चरिंग बिजनेस चालू कर दिया है तो ही इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा अभी अगर आप चालू करोगे इस साल में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा डिडक्शन कितना मिलता है डिडक्शन मिलता है फिफ्टीन ईयर्स के लिए फिफ्टीन ईयर में से जो फर्स्ट फाइव ईयर्स ऑफ ऑपरेशन रहता है उसमें जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसका

तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आप एक काम करिए जो यूनिट पीजी जो यूनिट आपके एसी में लोकेटेड है उसका पीजीबीपी का इनकम कितना है वो ले लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपोर्ट टर्न डिवाइड बाय कर दीजिए टोटल टर्न तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका पीजीबीपी का इनकम है ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन एसी मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्न डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्न आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट अब यहां पर एक और चीज समझना आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते टाइम एक्सपोर्ट टर्नओवर में वही वाला पैसा लेंगे जितना आपने इंडिया में रिपेट्रिएट कर दिया अप टू द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई मीन आरबीआई जितना टाइम प्रिस्क्राइब करेगा उस पीरियड में जितना आपने इंडिया में पैसा रिपेट्रिएट कर दिया पैसा ला लिया वही आपके एक्सपोर्ट टर्न में आएगा लेकिन टोटल टर्न में टोटल टर्न आएगा करके ठीक है जितना पैसा आया नहीं आया सब इसमें आ जाएगा लेकिन एक और चीज समझना अगर आपने इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोला है विद अप्रूवल ऑफ द आरबीआई आरबीआई के अप्रूवल से इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोला है और उस अकाउंट में अगर पैसा डिपोजिट हो गया है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा वो पैसा इंडिया में आ गया है और उस पर आप एक्सपोर्ट टर्न में उसको इंक्लूड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना जब आप ये एक्सपोर्ट टर्न या टोटल टर्न निकालते हैं ना इसमें हमेशा ध्यान रखना आप फ्रेट है टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है एज वेल एज द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है जैसे फ्रेट है टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है इंश्योरेंस है या फिर एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विस मीन इंडिया के बाहर कोई आप सर्विस प्रोवाइड करने गए थे और आपने कोई खर्चे किए उसका खर्चे का री लिया है दैट इज नॉट कवर्ड इन योर एक्सपोर्ट टर्न ओवर एज वेल एज द टोटल टर्न ये कोई टर्न नहीं है तो मैंने क्या बोला फ्रेट इंश्योरेंस या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस या इंडिया के बाहर आपने कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की थी उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडि इनकर किए ये आपके टोटल टर्न एज वेल एज एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा एक और चीज समझना अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है या सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है या फिर आपका कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है ये भी कोई टर्नओवर में नहीं आएगा एज़ वेल एज एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप पीजीबीपी का इनकम लेंगे तो पीजीबीपी की इनकम में तो ये आएगा PGBP की इनकम है तो ये आएगा कौन सा सेल ऑफ इंपोर्ट एंटरटेलमेंट लाइसेंस कैश कंपन सपोर्ट है ये दूसरी चीज जब आप पीजीबीपी का इनकम लेते हैं डिडक्शन पर्पज के लिए मीन यहाँ टेन डबल ए का डिडक्शन निकालने के लिए जो पीजीबीपी का इनकम लेंगे उसमें से कैश कंपन सपोर्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक है एंड सेल ऑफ इंपोर्ट एंटरटेनमेंट लाइसेंस है उसको आप हटा देंगे ये यहाँ पे नहीं

थ्री इयर्स के अंदर अंदर आपको न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर करना है और उसको पुट टू यूज करना है अब एक चीज समझना अगर मान लो वो थ्री में आपने नहीं किया तो फोर्थ ईयर में वापस से वो आपकी इनकम बन जाएगी या फिर इन बिटवीन आपने कहीं पे मिस यूटिलाइजेशन कर दिया तो जिस ईयर में मिस यूटिलाइजेशन किया उस ईयर में वापस से आपकी वो इनकम बन जाएगी जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था अब एक और चीज समझना अगर आप ये डिडक्शन लेते हैं तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिट की ड्यू डेट होती है मिस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एक महीने पहले जो ऑडिट की ड्यू डेट है ऑडिट की ड्यू डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट

पुराने एम्प्लॉय आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो इंफोसिस है वो एसआईजेड में यूनिट खोला है वहां पे पुराने एम्प्लॉय ट्रांसफर कर रहा है तो ये कहाँ नया बिजनेस है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया एक नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने ये बोलती है कि इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन है लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए सिर्फ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या करती है एससीजेड में यूनिट लगाती है और अपने जो एससीजेड में जितने टोटल पहले साल में न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट हुए ना टोटल न्यू एम्प्लॉई है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में आपका फिफ्टी परसेंट या उससे कम एटलीस्ट मतलब हो सकता है 50 परसेंट से ज्यादा नहीं 50 परसेंट या उससे कम है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं तो भी माना जाएगा न्यू बिजनेस कोई दिक्कत नहीं तो मैंने क्या बोला कि एसी जेड में जितने भी एम्प्लॉय रिक्रूट हुए जितने भी एम्प्लॉय एससीजेड में यूनिट जो है उसमें टोटल एम्प्लॉय मतलब पुराने वाले जो ट्रांसफर किए एज वेल एज नए एम्प्लॉय जो रिक्रूट किए उस टोटल में

न्यू ही है तो पहली कंडीशन तो क्या थी कि भैया आपका जो एसी सेट में टोटल एम्प्लॉय है उसमें पुराने वाले एम्प्लॉय आप 50 परसेंट तक हो सकते हैं और इस साल में जो कंपनी ने टोटल नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं एटलीस्ट जो 50 परसेंट है वो एसी सेट यूनिट के लिए रिक्रूट करने हैं तो उस केस में यह माना जाएगा आपका बिजनेस न्यू है अब एक और चीज समझना अगर कोई एसीजेड यूनिट में आपका लाइक like यूनिट है लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर कर, डेवलप करते हैं वो क्लाइंट प्लेस पे जाके करते हैं और क्लाइंट प्लेस पे जाके सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उस केस में भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस मिल जाएगा आपने अगर सिर्फ मैन पावर सप्लाई किया मैं सिर्फ इंजीनियर सप्लाई किए थे तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस अब एक बात समझना अगर ओनरशिप चेंज हो जाती है तो ओनरशिप चेंज के केस में भी क्या लाइक like नया वाले ओनर को डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस मिल जाएगा आप कभी कभी एसी यूनिट ट्रांसफर कर देते हो जैसे आपकी पहले मदुरई एसी में था और आपने मान लो सूरत एसी में आ गए तो आपने मान लो सेवन ईयर्स के लिए डिडक्शन वहां पर ले रखा था तो रिमेनिंग एट ईयर्स के लिए डिडक्शन है वो आप नई वाली जगह पर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पे ये एक सर्कुलर है जो सीबीडीटी का है करके ठीक है चलिए सो so यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है मैट ए और एस और ये आप ढंग से पढ़ना और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना ईजिली आप लोगों से हो जाएंगे और ये जो टॉपिक्स जो

टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस आपका जो पास होना है या आपको आगे बढ़ना है अगर आप पास होंगे तो वो आपकी वजह से होंगे अगर आप पास नहीं होते हैं तो उसमें भी आप ही का रोल है और किसी का रोल नहीं है इस दुनिया में ठीक है इस दुनिया में कोई भी नहीं है लाइक जो आपको पास करा सकता है या कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको फेल करा सकता है आप खुद ही हो करके ठीक है आप खुद ही हो जो ये कर सकते हैं सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में मैं बता दूं अभी जिस मोड पे आप हो जब से ये फाइनल में हो लाइक like आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज ये एग्जाम जब आप क्रैक करेंगे आपके सामने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलेगी बहुत सारी चीजें नई नई हैं वो आपको सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ेगा यार सबसे बड़ी है पढ़ना नहीं पड़ेगा पॉजिटिव रहिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए खुश रहने की ट्राई करिए थोड़ा सोशल मीडिया और मोबाइल्स वगैरह है उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए इसका भी फास्टिंग करिए कि पांच दिन तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे करके ठीक है पाँच दिन के बाद आप मोबाइल देख सकते हैं पांच दिन तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे पाँच दिन तक आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करेंगे ऐसा अपने आप को कमिटमेंट करिए और उस कमिटमेंट पर पूरे खरे उतरिए करके ठीक है और देखो बाकी सब शादी पार्टी या फंक्शन सेरेमनी है वो तो सब होती रहेगी मैंने देखो बहुत बार लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं बोले नहीं नहीं वो मामा की लड़की की शादी थी तो मैंने एग्जाम नहीं दिया करके ठीक है मुझे सच में बहुत बार ऐसा लगता है यार मामा की लड़की की शादी ऐसे भी हो जाती है करके ठीक है तुम नहीं गए होते तुम्हारे घर वाले जाएंगे तो भी हो जाएगी और मामा को इतना बुरा मानने वाले नहीं है बट तुम्हारी लाइफ जो है ना उससे जुड़ा हुआ ये एग्जाम है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको ये पहले एग्जाम पे फोकस करना है बाकी सब चीज़ें हैं वो बाद में हो जाती है मैं बता दूं जो लाइक like, आदमी जीत जाता है ना उसके साथ में सब खड़े रहते हैं जिस दिन आप हार जाते हो ना उसके साथ में कोई नहीं रहता इस दुनिया में वो हमेशा अकेला रहता है करके ठीक है जो जीत जाता है उसके लिए बड़ा हो हल्ला होता है बड़ा शोर होता है हर कोई क्रेडिट लेता है लेकिन जब आप हार जाते हैं ना उसके साथ में कोई नहीं होता वो अकेला बंदा खुद होता है करके ठीक है तो आपको देखना है आपको खुद को डिसाइड करना है कि जीतना है या अपने को हारना है जीतना है ऑब्वियसली करके ठीक है ये आपके पास टाइम है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए और आपके दिमाग में उसका कोई ऑल्टरनेटिव होना ही नहीं चाहिए नथिंग नो ऑल्टरनेटिव आप मतलब हार मतलब आप जो फेलियर है वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है यू हैव टू क्रैक द एग्जाम और एग्जाम क्रैक करने के लिए जो जो आपको लगता है, जितना आपको लगता लगता है है जितना जस्ट आप करते जाइए गिव योर हंड्रेड परसेंट मैं हमेशा बोलता हूं गिव योर हंड्रेड परसेंट आईसीआई एंड वी नीड ओनली फिफ्टी परसेंट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम करके ठीक है सो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड आज मैंने आपको मैट रिवाइज कराया अगले लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे दैट इज आपका पार्टनरशिप फॉर्म है और उसके साथ में बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एओपीबीआई है ये वाले टॉपिक है वो अपन अगले लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं ठीक है थीके? चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन अफोर टूडे फ्रॉम माई साइड